A very good evening to all of you. Welcome to Order 24/7 Law Entrance YouTube channel. हम लोग क्लास 2020 का लीगल रीजनिंग के जो पैराग्राफ आए थे आप लोग के 8 पैराग्राफ उसको एक एक करके हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे थे. तो आज का जो पैराग्राफ है वो 5th वन है और इसका टॉपिक कहाँ से लिया गया है, इंडियन पीनल कोड से लिया गया है, मतलब जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता भी बोलते हैं. और ये आप लोग का लीगल रीजनिंग का पार्ट है. इसमें देखिए मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, जो हम मैं टॉपिक यहाँ पे जो डिस्कशन करती हूँ ये टॉपिक आप लोगों का पेपर में नहीं गिवन रहता है, तो तभी तो आप लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का जरूरत होता है. तो आप लोग के यहाँ पे आप लोग एटलीस्ट ऐसे पैराग्राफ को एनालिसिस करके समझ सकते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. तो ये जो आप लोगों का सिंपली पैराग्राफ 5 है जो कि इंडियन पीनल कोड का, सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि इंडियन पीनल कोड बेसिकली होता क्या है. एक ऐसा लॉ का बुक है जो बताता है कि आप लोग के इंडिया में जो भी ऑफेंस होता है, क्या बोला मैंने, जो भी आप लोग के ऑफेंस होता है उसका डेफिनेशन गिवन है और उसका पनिशमेंट गिवन है आप लोगों के IPC में, और कुछ भी नहीं है. चोरी हुआ, चोरी का क्या डेफिनेशन है, आईपीसी में गिवन है. चोरी का पनिशमेंट क्या है, आईपीसी में गिवन है. रेप हुआ, रेप का डेफिनेशन कहाँ गिवन है, आईपीसी में, उसका पनिशमेंट आईपीसी में. तो ये आप लोग का आईपीसी का है. तो आईपीसी में आप लोग का जो ये टॉपिक है बेसिकली आप लोग का ये है, दिस वन, कॉमन इंटेंशन के बारे में ये टॉपिक आप लोग का डिस्कस करता है और सिमिलर इंटेंशन का डिस्कशन करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो कॉमन इंटेंशन का क्या परिभाषा समझाया गया है, दैट इट इज अ प्री अरेंज्ड प्लान एंड एक्टिंग इन अ कंसर्न परसुवेंट टू द प्लान. कॉमन इंटेंशन कम इनटू बीइंग द प्रायर ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट. कॉमन इंटेंशन, जैसे 5 लोग हैं, ध्यान से एग्जाम्पल को सुनिए, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो पैराग्राफ पढ़ने की हम लोग को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त आप लोग को ऑलरेडी बता दिया जाएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट तो आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा टीचर्स के द्वारा. तो कॉमन इंटेंशन क्या होता है, सिंपली 5 लोग हैं, 5 आप लोगों ने प्लानिंग किया कि हम लोग कल बैंक जाके लूटेंगे. ध्यान से सुनिएगा, 5 ने कॉन्स्पिरेसी बनाई कि हमें लूटना है बैंक को, ठीक है. अब एक पर्सन क्या किया, एक पर्सन गाड़ी निकाल रहा है, 2 पर्सन ने बैग पकड़ा और 2 पर्सन गाड़ी में सब बैठे, मतलब 5 गए बैंक के पास, गाड़ी वाला बाहर ही खड़ा है गाड़ी लेके की, और सबने मुंह में ना मास्क लगा रखा है, कोरोना चल रहा है ना, सबने मास्क लगा रखा है. 2 पर्सन बैग लेके अंदर गए और ये दोनों पर्सन ने क्या किया, जेब में रिवॉल्वर रखा था. अब ये चारों बैंक में गए, पूरा बैंक को एक तरह से सबको नीचे बैठा के सारा पैसा लूटा और चारों की चारों क्या गए, गाड़ी में बैठ गए, 5 की 5 भाग गए. अब इस केस में आप लोग बताइए कि कौन कौन लायबल होगा इस क्राइम का, जल्दी बताइए कौन कौन लायबल होगा. तो हम सबको मालूम है कि 5 लायबल होंगे, तो इन 5 का कॉमन इंटेंशन क्या था, बैंक को लूटना, इसे कहा जाता है कॉमन इंटेंशन. तो देखिए क्या लिखा है, इट इज अ प्री अरेंज प्लान. ये क्या है, प्री अरेंज प्लान है कि हमें क्या अपना एक्ट एग्जीक्यूट करना है. सो इट मे बी डेवलप ऑन द स्पॉट एज बिटवीन द नंबर ऑफ पर्सन एंड कुड बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस फ्रॉम द ईच केस. इसका मतलब क्या है, ये कॉमन इंटेंशन हम लोग का ऑन द स्पॉट भी बन सकता है. ऑन द स्पॉट का मतलब 3 लोग बैंक लूटने जा रहे थे, 2 लोग और आए, दोनों ने ऑन द स्पॉट आपस में कॉमन इंटेंशन किया कि चलो हम लोग बैंक लूटेंगे, 50% हिस्सा तुम्हारा, 50% तुम्हारा. तो ये दोनों भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए तो ये भी हम लोग का कॉमन इंटेंशन कहलाएगा. तो इस पैराग्राफ का मतलब है कॉमन इंटेंशन हम लोग का ऑन द स्पॉट भी हो सकता है, ठीक है. एग्जैक्टली आप देखते हैं हम लोग कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में क्या आप लोग का डिफरेंस है जो कि इस पैराग्राफ में गिवन है. कॉमन इंटेंशन डज नॉट मीन द सिमिलर इंटेंशन ऑफ सेवरल पर्सन. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. टू कॉन्स्टिट्यूट कॉमन इंटेंशन, मतलब कॉमन इंटेंशन के लिए क्या आप लोग का रिक्वायरमेंट है, इट इज नेसेसरी दैट द इंटेंशन ऑफ ईच ऑफ देम टू बी नोन टू द रेस्ट ऑफ देम. मतलब कॉमन इंटेंशन में सबको, एक एक लोग को भाई इंटेंशन मालूम होना चाहिए कि हम लोग का फ्यूचर एक्ट क्या होगा, एंड शेयर्ड बाय ऑल ऑफ देम, सबके द्वारा शेयर्ड होना चाहिए. इन दिस केस
इस केस में क्या कहा गया, कॉमन इंटेंशन विज डेवलप एट द स्पॉट ऑफ द मूवमेंट, मतलब ऑन द स्पॉट भी हम लोग का कॉमन इंटेंशन बन सकता है, इज डिफरेंट फ्रॉम द सिमिलर इंटेंशन एक्यूएटेड अ नंबर ऑफ पर्सन एट द सेम टाइम, मतलब सिमिलर इंटेंशन आप लोग का अलग अलग हो सकता है। जैसे तीन लोग बैंक लूटने जा रहे हैं, कॉमन इंटेंशन बैंक लूटने का है, पांच लोग और आ गए हैं बैंक लूटने के लिए, दोनों का क्या है, सिमिलर इंटेंशन है। कॉमन कब होगा, जब ज्वाइंट हो जाएंगे। सिमिलर का मतलब भाई इसका भी बैंक लूटने का है और इन पांचों का भी बैंक लूटने का है, दैट इज कॉल्ड सिमिलर इंटेंशन। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो तीन पर्सन है बैंक लूटने जा रहे हैं, इन्होंने गार्ड को मार भी दिया, इंजरी भी कर दिया, तो भाई डिफरेंट एक्ट हो गया। और ये जो पांच जा रहे हैं, इन्होंने बैंक लूट के बस भाग गए, तो दोनों का सिमिलर इंटेंशन था बैंक लूटना, लेकिन इन्होंने भाई इंजरी भी कर दिया। तो आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग का, सिंपली द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन मे बी फाइन, बहुत ही माइन्यूट है, आप लोगों ने भी देखा दैट नॉनथलेस इज अ रियल वन इफ ओवरलुक, इट मे लीड टू द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, अगर इसको बारीकी से नहीं देखा गया तो भाई जस्टिस का भी हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं डिले आप लोग का या मिसकैरेज हो सकता है। The mere presence of accused together is not sufficient to hold that they share the common intention to commit the offense. भाई सबको एक साथ पाके हम ये नहीं बोल सकते कि सबका common intention एक जैसा होगा, ठीक है? It is necessary that the intention of each one of the several person to be known to be each other. मतलब common intention में आप लोग का देखो किस चीज को highlight क्या कर रहा है कि ये सबको एक दूसरे को known होना चाहिए, known to the each other, that is called common intention. Hope so, आप लोग को पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला आप लोग का क्वेश्चन है, देखिए अ गैंग ऑफ सिक्स मेंबर वेंट टू अ बैंक, देखो सेम एग्जाम्पल, बैंक में गए छह मेंबर आर्म विद द वेपन, क्या लिए थे, मतलब वेपन के साथ गए टू कमिट अ हीस्ट, ठीक है। Now, while five of the gang member went inside, मतलब पांच इसमें से अंदर गए बैंक में और जो सिक्स पर्सन था वो बाहर बैंक के वेट कर रहा था, ठीक है। ड्यूरिंग द हीस्ट वन ऑफ द, मतलब ये ऑफेंस है, वन ऑफ द गैंग मेंबर फायर्ड अ गन एट द ब्रांच मैनेजर, मतलब जब लोग ऑफेंस कर रहे थे तो इसमें से एक मेंबर ने क्या किया, गन फायर्ड किया, किसको, ब्रांच मैनेजर को, एज अ रिजल्ट ही डाइड, ब्रांच मैनेजर मर गया। All the five escaped, but मैं जो एक person था वो पकड़ा गया। Now choose the most appropriate option as per the principle. मतलब आप लोग चार option है, चारों में से आप लोग को बताना है कौन सा सही है। Story आप लोग को समझ में आ गया होगा, पांचों का छहों का intention था bank को लूटना, ठीक है। इसमें से एक ने क्या किया, gun shoot किया, branch manager मारा गया और वो person मतलब बच पकड़ा भी गया, लेकिन पांच लोग क्या हो गए, भाग गए। बताइए कौन सा इसमें से अब एप्रोप्रिएट आंसर होगा आप लोग का। ए इज नॉट लायबल फॉर मर्डर एज ही वॉज आउटसाइड द बैंक एंड देयर वॉज नो कॉमन इंटेंशन, ओके। ए अलॉन्ग विथ अदर मेंबर्स ऑफ द गैंग्स आर लायबल फॉर मर्डर एज देयर वॉज कॉमन इंटेंशन, ओनली दैट पर्सन इज लायबल फॉर मर्डर हु वॉज फायर्ड द गन, ए इज लायबल ओनली फॉर द हिस्ट नॉट फॉर द अदर ऑफेंस। जल्दी बताइए फर्स्ट का आंसर, कॉमन इंटेंशन, भले ही मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया एक ने लूटा लेकिन लायबल सब होंगे, तो इसमें भी बताइए, इसमें भी बिना सोचे समझे आप लोग को आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। फॉर द फर्स्ट वन कॉमन इंटेंशन, तभी तो कॉमन इंटेंशन को इतना बारीकी से पैराग्राफ में हाईलाइट किया गया है। फॉर दिस वन बी विल बी द एग्जैक्ट आंसर एज A along with the other members of the gang are liable for the murder as there was a common intention. क्योंकि पैराग्राफ में कहीं भी ये गिवन नहीं है कि अचानक से A का मन बना मर्डर करने का, नहीं, जब पूरा फैक्ट गिवन है कि उन्होंने कॉमन इंटेंशन था लूटने का और फैक्ट में ही ये एक्स आपका इम्प्लाइडली इंक्लूड है कि इसने जब रिवॉल्वर लिया, मतलब सबको मालूम था कि इसके पास रिवॉल्वर है, तो रिवॉल्वर रखना मतलब भाई यूज भी करना होता है उसका, ठीक है। सो बी विल बी द एग्जैक्ट आंसर। नाउ सेकंड देखिए, रमन एंड राघव वर राइडिंग अ मोटरसाइकिल ऑन अ बिजी स्ट्रीट, दोनों भाई मोटरसाइकिल चला रहे थे, सडनली अमन bumped into their bike, okay, a heated argument started between them,
मतलब दोनों में क्या हुआ भाई, गर्मा गर्मी आर्गुमेंट होना स्टार्ट हो गया. व्हाइल राघव स्टार्टेड अब्यूजिंग अमन, राघव क्या किया, अब्यूजिंग रमन, अमन को क्या किया, गाली गलौज देना स्टार्ट कर दिया. रमन हिट अमन विथ आयरन रॉड. अब देखो मतलब दोनों रमन राघव शैतान है. रमन ने क्या किया, रमन हिट अमन विथ आयरन रॉड लेइंग ऑन द रोड, एज अ कॉन्सिक्वेंस ही डाइड. नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आप लोग का एग्जैक्ट आंसर है. सेकेंड वन, बोथ राघव एंड रमन, देखो दोनों बाइक राइड कर रहे हैं, अचानक से अमन आया, दूसरे बाइक में था, दोनों में भिड़ंत हो गया. अब भिड़ंत के क्या बाद क्या हुआ, राघव ने अब्यूज करना शुरू कर दिया गाली गलौज, और रमन ने क्या किया, उसको आयरन रॉड से मारना शुरू कर दिया. ठीक है, मतलब आयरन रॉड से लगने से क्या हुआ, पर्सन मर गया. ठीक है, तो बताइए बोथ राघव एंड रमन आर लायबल फॉर मर्डर एज देयर वॉज कॉमन इंटेंशन डेवलप ऑन द स्पॉट. राघव इज नॉट लायबल फॉर मर्डर एज देयर वॉज नो कॉमन इंटेंशन टू किल. द फैक्ट से मालूम करना है कि कॉमन इंटेंशन था कि नहीं था. सी है, नो वन इज लायबल एज अमन वॉज रॉन्ग डूअर हिमसेल्फ. ये तो बिल्कुल ही बकवास है. ओनली राघव इज लायबल फॉर मर्डर एज ही स्टार्टेड अब्यूजिंग रमन. तो ये इसका मर्डर का एग्जैक्ट रीजन थोड़ी ना गिवन है. आप लोग को जब पैराग्राफ कॉमन इंटेंशन का है तो याद रखिएगा आंसर्स में भी आप लोग का रीजन ये आना चाहिए कॉमन इंटेंशन का. तो बताइए सेकंड का एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्या दोनों बाइक चला रहे हैं, क्या दोनों ने पहले से ही तय कर रखा था कि हमें अमन को मारना है. द आंसर इज नो. तो इसका सिंपली है, जो राघव है इज नॉट लायबल फॉर मर्डर एज देयर वॉज नो कॉमन इंटेंशन टू किल द अमन. क्योंकि राघव क्या था, सिंपली अब्यूज कर रहा था. रमन ने क्या किया, हिट किया, मर गया. तो बट ऑब्वियस मर्डर, भले ही भाई मर्डर में इंटेंशन जरूरी होता है, लेकिन इस केस में भी क्या है, आप लोग का मर्डर के लिए किसको लायबल ठहराया जाएगा, आप लोगों का रमन को. ठीक है, नॉट राघव. नेक्स्ट, आफ्टर रीडिंग द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. मतलब इसमें कॉमन इंटेंशन सिमिलर इंटेंशन का डिफरेंस है, तो चार ऑप्शंस है, आप लोग को बताना है कौन सा आप लोग का सही है. ठीक है, सबसे पहला, सिमिलर इंटेंशन इज डेवलप्ड प्रायर टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस बट कॉमन इंटेंशन डेवलप ओनली एट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. ओके, अंडर कॉमन इंटेंशन ईच ऑफ द ऑफेंडर इज लायबल फॉर द ऑफेंस बट सिमिलर इंटेंशन ईच ऑफ द ऑफेंडर इज डिफरेंटली लायबल. बिल्कुल सिमिलर भाई, अलग अलग, लेकिन दोनों का इंटेंशन सिमिलर है. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर एंड कॉमन इंटेंशन वन मस्ट एनालाइज द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस. बिल्कुल सही, फैक्ट्स हम लोग को देखना पड़ेगा, तब जाके एनालिसिस होगा कि सिमिलर इंटेंशन है कि कॉमन इंटेंशन है. द बाउंड्री बिटवीन सिमिलर एंड कॉमन इंटेंशन इज वेरी फाइन, इट मे बी सम टाइम ओवरलैप. बिल्कुल सही है. तो आप लोग को इसमें करना क्या है, आप लोग को थर्ड में सिंपली बताना है नॉट करेक्ट. अच्छा जी, करेक्ट नहीं है, तब तो मुझे बी सी डी बिल्कुल सही लग रहे थे, ओवरलैप कर सकते हैं. वन मस्ट एनालिसिस करना चाहिए फैक्ट सर्कमस्टांस को. इसमें सिंपली इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन है. सो ये आप लोग का ये चीज क्या है, गलत है, दैट द सिमिलर इंटेंशन इज डेवलप एट द प्रायर ऑफ द कमीशन बट द कॉमन इंटेंशन इज डेवलप एट द टाइम ऑफ कमीशन. ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है. ठीक है, सो आपका थर्ड का ए इज द राइट आंसर. नाउ फोर्थ बताइए, मिस्टर ए एंड मिस्टर वाई एंटर्ड इनटू द हाउस एट नाइट टू कमिट थेफ्ट. ध्यान से, बहुत ही ईजी है, चोरी करने घुसे कौन कौन, एक्स और वाई चोरी करने घुसे. ठीक है, While committing theft, Y committed sexual assault on the minor girl. मतलब देखो Y ने क्या किया, sexual assault किया minor girl के साथ जो उस घर में रहती है, 11 साल की है. Identify which of the following offense. देखो X Y का common intention क्या था, चोरी करना. ठीक है, लेकिन Y ने क्या किया, sexual assault किया जो उस घर में लड़की रहती थी. बताइए, both theft and sexual assault there was a common intention. ये तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, क्रॉस करना है भाई. सेक्सुअल असॉल्ट दोनों का कॉमन इंटेंशन नहीं था, सिर्फ थेफ्ट आपका कॉमन इंटेंशन था. नेक्स्ट, ओनली थेफ्ट एज देयर वाज सिमिलर इंटेंशन. ओके, ओनली थेफ्ट एज, मतलब इसमें एक्स इज लायबल फॉर एक्स को किसके लिए लायबल ठहराया जाएगा, ओनली थेफ्ट एज मिस्टर एक्स हैज अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम वाई.
ओके ये थोड़ा सही लग रहा है. ही वुड नॉट लाइबल तो बिल्कुल ही गलत है. ओनली थेफ्ट एज देर वॉज सिमिलर टेंशन बिल्कुल ये भी सही नहीं है. तो आप लोग का एग्जैक्ट आंसर क्या है थर्ड का, फॉर द थर्ड वन, सॉरी फॉर द फोर्थ वन सी इज द एग्जैक्ट आंसर दैट ओनली थेफ्ट के लिए एक्स पर्सन लाइबल होगा एज एक्स हैज अ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम द वाई. बिल्कुल ठीक है, दोनों का भाई इंटेंशन है थेफ्ट करना, लेकिन जब दूसरे पर्सन ने सेक्सुअल असॉल्ट भी कर लिया तो उसके लिए आप लोग का उसका दोस्त लाइबल नहीं होगा. नाउ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेशन टू द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड सिमिलर इंटेंशन. दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग को इसको सर्च करना है. सबसे पहला आप लोग का ए ऑप्शन है दैट द इंटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड एंड को अक्यूज्ड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस. ओके फिफ्थ का, बिल्कुल हमें फैक्ट या सर्कमस्टांस से हम लोग इसे मालूम कर सकते हैं. अंडर द कॉमन इंटेंशन इट इज कंसीडर्ड दैट ऑल द अक्यूज्ड हैव जॉइंटली कमिटेड द ऑफेंस. बिल्कुल सही, ईच अक्यूज्ड इज लायबल फॉर द ऑफेंस ही हैज एक्चुअली कमिटेड इफ द कॉमन इंटेंशन कैन नॉट बी प्रूव्ड. बिल्कुल सही भाई, तीनों ही आप लोग के सही हैं. सो द फिफ्थ वन डी इज द एग्जैक्ट आंसर. So this is all about your common intention and similar intention. और आपको ये भी बता दूं कि IPC में आप लोग के section 34 में ये चीज given है आप लोग का common intention के बारे में. ठीक है, तो ये आप लोग का आज paragraph 5 हम लोगों ने analysis किया जिसमें common intention और similar intention आप लोग का paragraph था. और इसमें बिल्कुल भी नहीं घबराना हम लोगों की क्लैट में भाई paper change हुआ है तो मतलब paragraph वाइज, तो ये paragraph वही questions हैं जो आप already पढ़ चुके हैं, जो already आप लोग के 10 सालों से syllabus में आता था. तो इसमें बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. और कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग द पैराग्राफ एनालिसिस यू कैन इजीली आस्क इन अ कमेंट बॉक्स. ओके, एंड योर न्यू बैच विल बी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेशन इन विच. आप जानते हैं कि भाई क्लैट का आप लोग का एग्जाम डेट आ गया है तो कमर कस लीजिए, जल्द ही आप लोग का अड्डा 24/7 न्यू बैच लेके आ रहा है जिसका टारगेट है आप लोग का 8 मई का क्लैट क्लियर करना और 18 मई का जो कि दूसरा क्लैट का एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर उसको क्लियर करना. हैव अ नाइस डे.